क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मेजोरिटियाँ होती है, सबका अपना अपना जो है मत। किस तरह से देखते हैं इस बार, क्या माहौल है चुनाव? इस बार माहौल बहुत ही बदला हुआ है। क्या कहना, किसको वोट देंगे इस बार? मैंने बोल दिया मैं भारतीय जनता पार्टी से, तो मेरी वोट कहाँ जाएगी? अब आपको बताना पड़ेगा कि विकास कितना हुआ है। न सिख देखा न ईसाई देखा, उन्होंने सभी को 2.5 लाख रुपए दिए घर बनाने के लिए। किसको वोट देना चाहेंगे? क्या मोदी जी और योगी जी हैं, वो फुल स्टॉप होता ना कि क्वेश्चन मार्क। 2022 में किसी से चाहते हैं? सर मैं किसी को नहीं चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वे। यूपी में चुनावी का चक्रव्यूह अब खत्म हो चुका है, जिसका खुलासा 10 मार्च को होना है। 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर अभी जिले को प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां आरंभ कर दी है। प्रशासन की ओर से तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतगणना कार्य को लेकर जानकारी दी गई। इसमें साफ किया गया है कि काउंसलिंग यानी मतों की गिनती का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इससे पहले तमाम काउंटिंग एजेंट को मतगणना केंद्र पर पहुंचना होगा, उन्हें मोबाइल लेकर जाना मना होगा। अब ऐसे में देखना यह होगा कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं, किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा जो 7 चरणों में संपन्न हुआ है, तमाम मुद्दे ऐसे अहम रहे हैं। मंदिर मस्जिद जाति धर्म से ऊपर उठकर सबसे अहम मुद्दा 2022 का जो रहा है वो विकास का रहा है। अब देखना यह है कि जनता ने किस मुद्दों पर वोट दिया है, जनता ने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तो कर दिया है, इसका पता अब 10 मार्च को चलेगा कि जनता ने किसको कितनी सीटें दी हैं, जनता ने किसको अपना नेता चुना है। अगर बात किया जाए पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल के कई मुद्दे हावी होते हुए भी नजर आए। अवध की बात की जाए तो अवध में एक अपना अलग ही मुद्दा था, मंदिर मस्जिद के अपने मुद्दे थे, राम मंदिर एक अहम मुद्दा था अयोध्या में। तो कई मुद्दों के साथ, कई चुनावी अप डाउन्स के साथ लगातार तमाम अप एंड डाउन्स के बाद ये चुनाव खत्म हो चुका है। अब 10 तारीख को पता चलेगा कि क्या कुछ अपडेट है, किसको जनता ने अपना नेता चुना है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लखनऊ से विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे और गोरखपुर से हिमांशु। विभांशु, मतदान संपन्न हो चुका है, 9 विधानसभा सीटें हैं लखनऊ में, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनता किसके पक्ष में गई है, जनता ने किसको पसंद किया है? जी पिछला अगर बात करें तो देर शाम कल मतदान के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए, जिसमें साफ तौर पे जो तत्कालीन सरकार है वो पीट करते हुए दिख रही है। और वहीं अगर वापस लौटे लखनऊ की 9 विधानसभाओं की, तो लखनऊ के 9 विधानसभाओं में जो अधिकांश सीटें हैं उस पर मुकाबला बहुत ही कड़ा है। कहीं अगर बात करें तो कांग्रेस भी लड़ाई में है, तो कहीं समाजवादी पार्टी और कहीं बसपा, और सीधे मुकाबला भाजपा से होगा, जिसमें आप देख सकती है कि लखनऊ की जो हॉट सीट में से एक सरोजनी नगर पे, वहां से स्वाति सिंह चुनके आती थी, मगर उस सीट पर इस बार एसपी सिंह, इस सीट पर वहां से दूसरे उम्मीदवार को उतारा गया है, अब इस सीट को बदली गई है। वहीं दयाशंकर सिंह को भी वहां से लाने की बात कही जा रही थी। और वहीं अगर बात करें तो लखनऊ की जो मध्य सीट है, वहां से रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी के और भाजपा की तरफ से पार्षद रहे को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसमें साफ तौर पर इस मुकाबला कड़ा है। और वहीं अगर बात करें तो पश्चिम में आपके जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक अनुराग भदौरिया है, और उनके सामने लालजीत टंडन के पुत्र आशुतोष टंडन है। तो वहीं अगर बात करें तो पूर्व में तो नीरज बोरा के सामने जो छात्र संघ की नेता रही है वो भी मैदान में सामने है। तो साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि जो लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं उसमें खास तौर से सपा और भाजपा और बसपा में त्रिकोणी कई जगह देखने को मिल रहा है। खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में बसपा के वोट बैंक ज्यादा है लखनऊ की सीटों में। तो आने वाले 10 मार्च को, अब मतदान कंप्लीट हो चुका है, संपन्न हो चुका है, आने वाले 10 मार्च को इस पे पर्दा उठ जाएगा। जी त्रिशला जी, हिमांशु संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, चुनाव संपन्न हो चुका है, कुल 9 विधानसभा सीटें हैं गोरखपुर में, किसकी कितनी पैठ नजर आ रही है और एग्जिट पोल के हिसाब से क्या कुछ नतीजा नजर आ रहा है गोरखपुर का? गोरखपुर में 109 प्रत्याशी हैं, 9 विधानसभा सीटें, योगी आदित्यनाथ हैं उनका मुकाबला है, लेकिन मुकाबला कहीं दिख नहीं रहा है, जो पोलिंग है उसके हिसाब से भी कहीं नहीं दिख रहा है जनता के। और यहाँ पे सभापति शुक्ला जो है सपा से हैं, और चंद्रशेखर रावत
जो सीधे सीधे सीएम योगी को चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में पिन सिंह है जिनके विपक्ष में सपा से विजय बहादुर यादव है, वहां पे मुकाबला एकदम कांटे का है। इसके अलावा बात कर सकते हैं चौरी चौरा विधान सीट पे, वहां अजय सिंह कप्पू श्रवण निषाद को सीधा टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जी अगर बात किया जाए वहां के मुद्दों की तो मुद्दे तो साफ थे और चीज जो समाजवादी पार्टी ने एक अपने सेलिब्रिटी को उतारा है, काजल निषाद को उतारा है, एक वो एक्ट्रेसेस है, उनका क्या कुछ पैड देखने को मिला और वो कितना टक्कर फतेह बहादुर सिंह को देती हुई नजर आ रही है? देखिए फतेह बहादुर सिंह कई बार से वहां पे विधायक रहे हैं और काजल निषाद से उनका हर साल टकराव होता रहा है। हर साल जो है हर बार विधानसभा चुनाव में काजल निषाद उनको चुनौती देती है लेकिन उससे पराजित हो जाती है। इस बार काजल निषाद ने जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की है और टकराव काफी मुकाबला काटे का है। जी विभांशु, मतदान तो अब खत्म हो चुका है, 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। इसी बीच एक जो खबर आई थी, जो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी, उन्होंने सपा का दामन खुले मंच पे थामा, हालांकि उसके बाद सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बयान भी आया कि वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगी। तो यह कितने बड़े राजनीतिक पद का बदलाव दिख रहा है? क्या अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो क्या कोई बड़े पद पर बैठाने की उम्मीदें नजर आ रही है मयंक जोशी को? जी तुष्ला, अगर बात करें तो विधानसभा के चुनाव को टिकटों की जब टिकटें बांटी जा रही थी उस दौरान मयंक जोशी के लिए काफी सिफारिश लगाते हुए जो शीर्ष नेतृत्व है रीता बहुगुणा जोशी का नाम आया था कि अपने बेटे को टिकट चाहती है और वो लखनऊ के अंदर से ही टिकट चाहती, लखनऊ के विधानसभा से उन्हें विधायकी लगाना चाहती थी, मगर उन्हें शीर्ष नेतृत्व के द्वारा टिकट नहीं दिया गया। तो उनके जो मयंक जोशी है वो साफ तौर पे ऐसी कई बार अनौपचारिक रूप से सपा के नेताओं के साथ बैठक की अटकलें लगाई जा रही थी कि बैठक हो रही है, मगर सातवें चरण से ठीक पहले अखिलेश यादव के मंच से मयंक जोशी का सपा में सदस्यता लेने के बाद उनकी मां की तरफ से, रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से बयान आता है कि मैं भाजपा की ही हूं और भाजपा में ही रहूंगी, और वहीं उनके तरफ से अटकलें लगाई जा रही है कि सातवें चरण के बाद उनको विधानसभा लड़ेंगे नहीं, लेकिन मयंक जोशी की तरफ से बयान आया कि मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के काम करूंगा और पार्टी मुझे जो नेतृत्व का फैसला होगा उसे स्वीकार करते हुए मैं उस पर काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं सारा ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मयंक को समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, या अगर सरकार कहीं बन पाए समाजवादी पार्टी को एग्जिट पोल के मुताबिक, अगर एग्जिट पोल अगर फेल हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है तो हो सकता है कि इनको राज्यसभा भेजा जा सके या कोई ऐसी उनको कुछ ऐसा पद दिया जा सकता है। जी जी बिल्कुल हिमांशु, हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, अगर बात की जाए जो शहरी सीट है, शहरी सीट में ज्यादातर जो है वो अग्रवाल हो गए और जो व्यापारी संघ के लोग हैं वो उनकी तादाद ज्यादा है, तो ऐसे में किस खाते में और किस ओर जाते दिख रहे व्यापारी संघ के लोग, क्योंकि व्यापारियों ने कोरोना महामारी में काफी कुछ नुकसान झेला है, काफी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हिमांशु, वही अगर बात किया जाए अन्य विधानसभाओं की, जैसे कि पिपराइच विधानसभा हो गए और तमाम विधानसभाएं गोरखपुर में है, तो कुछ हॉट सीट तो कुछ ही बनी हुई है, बात की जाएगा 4-5 सीटें हॉट सीट बनी हुई है, लेकिन अहम मुद्दे जो है वो पिपराइच विधानसभा की भी रखती है, क्योंकि वहां से प्रत्याशी स्वर्गीय जमुना निषाद के लड़के अमरिंदर निषाद है और उनके पिता के एक अच्छा खासा पैट देखने को मिला था। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अमरिंदर निषाद जो है वो कितना अपना पैट बनाने में कामयाब होते हैं। वही लगातार गोरखपुर से हमारी जो गठबंधन भी यह खासा ताल ठोक रही है कि वो अच्छी सीटें निकालेगी, तो देखना यह होगा कि कितना गठबंधन सफल हो पाता है। वही अगर बात किया जाए तो जो अमन मणि त्रिपाठी है वो भी चुनावी मैदान में है, अब देखना ऐसे में ये होगा कि अमन मणि त्रिपाठी क्या कुछ कमाल कर पाते। संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं।
विभांशु, बात हो रही थी मयंक जोशी की कि मयंक जोशी को क्या कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ होगा राजनीति में तो ही उन्होंने किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है क्या ये किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी एक बड़े पद पर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, वो सांसद है, काफी जो है बड़ी राजनीतिज्ञ है रीता बहुगुणा जोशी, तो ऐसे में क्या किसी राजनीतिक बदलाव का भी संकेत तो नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो तो कुछ अलग कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अपने दावे और वादे, तो क्या एक बड़ा राजनीतिक बदलाव का तो संकेत पहले से रीता बहुगुणा जोशी को नहीं था, या फिर कुछ ऐसा नजर आ रहा है? जी त्रिशला, अगर बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी भारतीय राजनीति में दशकों से सक्रिय रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी की 2012 की मुख्यमंत्री चेहरा भी रही हैं। वहीं अगर उनकी बात की जाए तो हेमंती नंदन बहुगुणा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड जब एक था तो उस समय दर्जनों मंत्रालय उनके पास हुआ करते थे, तो ऐसे परिवार से निकल कर आती रीता बहुगुणा जोशी का जो राजनीतिक मंच है वो काफी बड़ा है, तो ऐसे में वो ऐसा कुछ भाव सकती है। और उनके बेटे का ये स्वतंत्र फैसला है कि मैं सपा के अंदर में काम करूंगा, और रीता बहुगुणा जिसने साफ तौर पर साफ कर दिया, इस बात का खंडन किया है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भाजपा में हूं और भाजपा में ही रहूंगी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक परिवार के जैसे आपके राजस्थान के अंदर में वसुंधरा राजे और माधव सिंधिया दोनों अलग अलग राजनीति एक परिवार से होते हुए अलग अलग राजनीतिक दल में रहे, तो ऐसा ही देखने को मिल सकता है कि माँ और बेटे अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं और काम कर सकते हैं। वह जिस क्योंकि जो रीता बहुगुणा जोशी है वो साफ कर चुकी है मैं भाजपा में ही रहूंगी, और वही मयंक जोशी अपने इस बात को कह रहे हैं कि मैं सपा के दिए हर एक कर्तव्य को निभाऊंगा, तो आने वाले राजनीति जो अगर हो सकता है कि एग्जिट पोल में जो चीजें दिखाई जा रही हैं, जो लीडिंग एग्जिट पोल एजेंसियां कह रही हैं कि फिर से सरकार रिपीट करेगी, तो अगर ये फेल होता है तो जरूर उन्हें कोई बहुत बड़ा ही दायित्व दिया जाएगा। वही पिछला एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि बंगाल चुनाव के दौरान तमाम जो लीडिंग एग्जिट पोल एजेंसियां थी उनका साफ तौर पर जिसमें से दसों में से छह दस में से छह एजेंसियों की के द्वारा वहां पे भाजपा की सरकार बनाई जा रही थी, मगर वो एग्जिट पोल फेल रहा। वही आपको 2017 के चुनाव के समय ले चलेंगे कि 2017 के चुनाव में तीन एजेंसियां भाजपा की सरकार बना रही थी और सात एजेंसियां सपा की सरकार बना रही थी, मगर उस बार भी एग्जिट पोल फेल रहा। तो एग्जिट पोल बस एक ग्राफ है जो कि कुछ वोटरों को लेकर एक सर्वे किया जाता है उसके आधार पे बनता है। अब आने वाले 10 मार्च को नतीजे के बाद ही हम ये कह सकेंगे कि किसकी सरकार बनी है, बस ये एक रुझान है। लेकिन हिमांशु एक सवाल ये भी खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और अभी सत्ताधारी पार्टी है, केंद्र में भी वही सरकार है और प्रदेश में भी वही सरकार है, ऐसे में युवा, एक जो अखिलेश यादव का नारा था युवा उनके साथ है और युवाओं का जनसैलाब उनकी जो रैलियां हैं उनकी जनसभाएं उसमें देखने को मिला था, तो ऐसे में मयंक जोशी एक युवा चेहरा वो समाजवादी पार्टी में गए, ये अपना एक अलग मुद्दा है। अपर्णा यादव की अगर बात किया जाए, अपर्णा यादव जिस तरह से शामिल हो गए, हालांकि वो एक बार वो समाजवादी से चुनाव लड़ भी चुकी हैं, उन्होंने काफी कार्य भी किए हैं कैंट की अगर बात किया जाए, कैंट में जिस तरह से उनका एक बयान आया था कि उनसे पूछा गया कि अगर अखिलेश यादव हारते हैं तो आपको दुख होगा, उन्होंने बोला बिल्कुल दुख होगा, उसके साथ ही साथ लगातार वो ये कहती रहती कि राष्ट्र का विकास चाहती इसलिए भारतीय जनता पार्टी में, तो इस पूरे वाक्य को आप कैसे देखते हैं? और अगर कहीं भारतीय जनता, वैसे तो जो पोलिंग पार्टियां कह रही हूँ ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का होली केसरिया होने वाला है, ये कितना सच होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। अगर अपर्णा यादव को क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने के संकेत नजर आ रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? हिमांशु, क्या कोई संकेत नजर आ रहे हैं अपर्णा बिष्ट यादव को कोई बड़ा जो पद है वो देने का भारतीय जनता पार्टी की ओर से? में अगर सरकार दोहराती है, पिछला अगर सरकार दोहराती है तो जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव को कोई बड़ा पद दिया जाएगा जी। और गोरखपुर से अगर बात किया जाए विधानसभा सीटों की, तो वहां पे क्या कुछ जायजा है और आप कितना वहां पर प्रगति करती हुई नजर आ रही है? हिमांशु, गोरखपुर में आपके भी प्रत्याशी वहां की सीट से है, तो वो कितने प्रगति करते नजर आ रहे हैं या बस वो इस बार चुनाव लड़ेंगे और चले जाएंगे? देखा जाए यहाँ पे, चूंकि
विजय श्रीवास्तव जो है सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के विरोध में खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं भी ऐसा टक्कर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से यहाँ पे मजबूत है, पूरा उनका गढ़ है और इतिहास रहा है कि योगी आदित्यनाथ जब भी चुनावी मैदान में उतरे हैं तो वो जीते हैं, 5 बार सांसद रहे हैं और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता विभांशु और हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए थे। लखनऊ की अगर बातें की जाए तो लखनऊ में अनुराग भदौरिया और पूजा शुक्ला भी है। पूजा शुक्ला जहां एक छात्र नेता से वो डायरेक्ट विधानसभा चुनाव में आई है, तो वही अनुराग भदौरिया पिछली बार आशुतोष टंडन से चुनाव हार चुके हैं। इस बार देखना ये होगा कि अनुराग भदौरिया क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, क्या कुछ अपनी पैठ वो जनता के बीच बना पाए हैं, जनता उन्हें पसंद करती है या फिर पिछली बार की तरह उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अनुराग भदौरिया की अगर बात की जाए तो अनुराग भदौरिया काफी दिनों से एक्टिव नजर आ रहे थे, वो लगातार अपने हरे कुर्ते की वजह से और अपनी पार्टी के लिए प्रखर होकर कई प्लेटफॉर्म पर बोलते हुए नजर आए थे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन 9 सीटों पर किसको जनता चुनती है। आशुतोष टंडन जो है उनका अपना एक अलग ही पैठ है, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े और प्रतिष्ठा रखने वाले नेता है। ऐसे में अनुराग भदौरिया के सामने बहुत ही कड़ी चुनौती है, अनुराग भदौरिया कितना टक्कर दे पाते हैं आशुतोष टंडन को ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। वही अगर बात की जाए राजनीतिक लखनऊ में बदलाव की तो रीता बहुगुणा जोशी एक बड़ा चेहरा है, सांसद है, जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे मयंक जोशी को समाजवादी में शामिल करा है वो शामिल है। हालांकि उनका ये कहना है कि ये मयंक जोशी का अपना खुद का फैसला है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का एक नारा था कि युवा समाजवादी पार्टी के साथ है, वो सच नजर होता हुआ आ रहा है, क्योंकि जनसभा में अखिलेश यादव के युवाओं की भीड़ थी, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो चाहे वो अन्य किसी नौकरी से जुड़े युवा हो, युवाओं का एक जो उत्साह है वो हमेशा से युवाओं के अंदर एक हमेशा से लोकप्रियता देखने को मिली है अखिलेश यादव की, और एक लोक और यह लोकप्रियता कितनी ज्यादा जमीनी पर अब सामने आएगी। अब ये वक्त आ गया है और ये पता चल जाएगा कि युवा कितना साथ है अखिलेश यादव के। वही अगर बात गोरखपुर की जाए तो गोरखपुर भी एक अपना अहम पैठ रखता है, गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है, तो इसलिए गोरखपुर भी बेहद ही अहम सीट है। कई बड़े सीनियर जो बड़े राजनेता हैं वो भी गोरखपुर से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जो एक दो अन्य पार्टियां चंद्रशेखर रावड़ और भी जो छोटे क्षेत्रीय दल के लोगों ने गोरखपुर में अपनी राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश की है वो कितने कामयाब हो पाएंगे या फिर गोरखपुर की जनता उन्हें पूरी तरह से नकार देगी या कुछ पसंद करेगी। वहीं अगर बात निषाद पार्टी की जाए तो निषाद पार्टी महाराजगंज चौरी चौरा संत कबीर नगर की तरफ खासा एक्टिव दिख रही है। वहीं अमन मणि त्रिपाठी भी जो है चुनावी मैदान में है, उनके जो पिता है अमर मणि त्रिपाठी उनके जेल में होने के बाद अब अमन मणि त्रिपाठी वहां से चुनाव लड़ते हैं, तमाम उन पे आरोप भी लगे हैं। अमन मणि त्रिपाठी को जब बसपा के द्वारा टिकट दिया गया था तो जो उनकी पत्नी के सारा सिंह के हत्या का जो मामला है, सारा सिंह की मां ने सीधा खुले मंच पे आकर के बोला था कि अगर बहन जी ने अमन को टिकट दिया तो हम बहन जी को एक ऐसी पार्टी मानेंगे जो गुंडों और माफियाओं को शरण देती। हालांकि इन सब बातों को कोई फायदा नहीं हुआ, अमन मणि हमारे संवाददाता ओम शंकर बिसरा और प्रेम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम शंकर, चुनाव हो चुका है, एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, जनता किसको पसंद कर रही है? अगर एग्जिट पोल की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल आने के बाद समाजवादी पार्टी के जो भी नेता है उनके चेहरों पर साफ साफ मायूसी देखी जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो MY गठबंधन था जी, ये कहीं ना कहीं थी वो MY गठबंधन जो है मोदी योगी के नाम से जाना जाने लगा है, तो एग्जिट पोल आने के में कहीं ना कहीं मायूसी साफ दिखाई पड़ रही है जी। प्रतापगढ़ में क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ सियासी हलचल है, क्योंकि प्रतापगढ़ हॉट सीट है, कुंडा हो गया, पट्टी विधानसभा हो गया, रामपुर खास हो गया, दिग्गज ही दिग्गज है प्रतापगढ़ में, और चुनाव के पहले जो जुबानी वार पलटवार देखने को मिली थी, ऐसे में क्या कुछ हलचल है और किसकी सरकार बनती नजर आ रही है प्रतापगढ़ में? जी बिल्कुल,
अगर बात करें जनपद प्रतापगढ़ में जिस तरीके से 3 सीट हॉट सीट घोषित की गई थी, बात करें कुंडा विधानसभा क्षेत्र, बलरामपुर खास विधानसभा क्षेत्र, वहां पट्टी विधानसभा क्षेत्र, तो कुंडा ना कहीं अगर जनता के रुझान की बात की जाए तो राजा भैया के खेमे में अभी तक जाती हुई नजर आ रही कुंडा सीट, और रामपुर खास की बात की जाए तो बेहद टक्कर और कांटे की टक्कर कही जाएगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अब की बार कौन यहाँ पर विजेता साबित होगा, फिलहाल 10 मार्च को यह क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो जनता का रुझान है वो हाल में ही रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा मोना की ओर से अधिक आ रहा है, और अगर पट्टी विधानसभा क्षेत्र में बात की जाए तो वहां पर सपा उम्मीदवार राम सिंह यादव के खेमे में अधिक मत जताए जा रहे हैं, अधिक जनता का रुझान अधिक आ रहा है। तो ये तीनों हॉट सीट जो है वो पूरी तरीके से बेहद दिलचस्प और बेहद इंटरेस्टेड है। गुलशन यादव जो बेहद टक्कर दे रहे थे कुंडा से, अब की बार गुलशन यादव कहीं ना कहीं कितना कारगर साबित होंगे ये तो 10 मार्च के नतीजे ही तय करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से इंटरेस्टेड गुलशन यादव ने कुंडा को बनाकर रख दिया है। जी अगर बात किया जाए कुंडा की, तो एक और कंट्रोवर्सी निकल के सामने आई थी प्रेम। देखा गया था कि एक पोस्टर जारी हुई थी, एक पोस्टर निकला था राजा भैया बसपा सपा भाजपा। अगर जिस तरह से सपा ने एक खुला प्रत्याशी उतारा है राजा भैया के खिलाफ पहली बार, और राजा भैया पहले मंत्री पद पे भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, हालांकि बसपा से गठबंधन के बाद इनमें कुछ मनमुटाव आ गया और ये हो गया, तो अगर राजा भैया जीतते हैं और सपा की सरकार बनती है तो क्या कुछ उम्मीदें इनकी दोस्ती की नजर आएंगी फिर से? बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लगातार आकर कुंडा विधानसभा क्षेत्र में राजा भैया पर एक तंज कसते हुए कहा था कि राजा भैया का नाम पूछते ही जब कुछ हमारे साथी मीडिया कर्मी साथी उनसे पूछने का प्रयास किए कि अब की बार राजा भैया क्या आपके पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या राजा भैया कौन है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये कौन है इन्हें नहीं जानते। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच की जो दूरियां हैं वो काफी हद तक दूर हो चुकी है। बात किया जाए राजा भैया की, तो राजा भैया अब की बार सपा को समर्थन देंगे, ये राजा भैया ने अपने किसी भी वक्तव्य या किसी भी अपने प्रेस रिलीज या किसी भी बयान में ऐसा नहीं कहा है कि वो सपा को अब की बार समर्थन देने वाले हैं। अगर बात करें राजा भैया का रुझान, तो अब तक राजा भैया ने अपनी खुद से पार्टी बनाने की बात, और जिस तरीके से वे 19 सीटों पर चुनाव रहे, उन्होंने कहा कि हमारी 19 सीट पर पहले हमारी विधायक तय हो जाए, उसके बाद मैं तय करूंगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे। जी अभी तक किसी भी बात को उन्होंने ना ही पुष्टि की है, ना ही अभी तक उन्होंने किसी पार्टी की तरफ रुझान अपना व्यक्त किया है। जी जी प्रेम, हमारे दूसरे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा जो मंत्री सीट जो है ओम शंकर, वो ज्यादा इस वक्त प्रतिष्ठित नजर आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल भी आना शुरू हो गया है और लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। लोगों का ये भी कहना शुरू हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की होली इस बार फिर से केसरिया होने वाली है, बड़ी सीट और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। तो ये बातें कितनी सच होती ओम शंकर नजर आ रही है आपके जिले से, आपके जनपद से? अगर रायपुर जनपद की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं ये गांधी परिवार का घर ही रहा है, और यहाँ पर सबसे हॉट सीट जो है वो ऊंचा हाल विधानसभा से है, जहाँ पे कैबिनेट मंत्री और 2 बार से विधायक समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य थे अमरपाल मौर्या, उनको उतार कर जो है अब की बार एक बड़ा उलट फेर करने के प्रयास से, हालांकि अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और बड़े नेता थे, सब ने ऊंचा हाल में जनसभाओं को संबोधित किया है। ओम शंकर, रायबरेली में कांग्रेस पार्टी क्या कुछ पैठ बना पाएगी? गढ़ कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का रायबरेली, कितना सफल हो पाई है प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में? जी हाँ, रायबरेली में कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का गढ़ भी माना जा रहा है, और प्रियंका गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अंतिम चरण में रायबरेली आई भी थी, हालांकि उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरेली विधानसभा से सुधा द्विवेदी और बछावा विधानसभा से जो है सुशील पासी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जी अगर बात प्रतापगढ़ की जाए तो प्रतापगढ़ 3 हॉट सीटों की हट के अगर बात किया जाए तो और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनके जीत की सनसनी या फिर जिनके हार की सनसनी तेज हो रही है, क्योंकि एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है? बिल्कुल, अगर बात करें मैम जनपद प्रतापगढ़ में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में, तो बीते 5 वर्ष पूर्व अगर बात की जाए तो वहां से धीरज ओझा भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधायक तय किए गए थे। अब की बार अगर बात की जाए तो बेहद कांटे की टक्कर रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिली है। वहां पर सपा ने अपने दमदार प्रत्याशी जो आर के वर्मा अपना दल यस से बीते 5 वर्ष पहले वो विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, अब की बार वे जब
रानीगंज से उनको सपा प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया गया, तो बेहद कांटे की टक्कर, चूंकि दोनों विधायक वर्तमान थे, केवल सीटों का ही दोनों विधायकों को हो गया, तो कहीं ना कहीं रानीगंज में भी बेहद कांटे की टक्कर जो है वो सपा और बनाम भाजपा में है। इसी भांति अगर सदर में बात की जाए तो सदर में जिस तरीके से अभी तक अपना दल यश अपना प्रत्याशी उतार रही थी, लेकिन अब की बार अगर बात की जाए तो अपना दल यश न उतारकर वहां पर भाजपा ने अपनी पार्टी से राजेंद्र मौर्या को उतारा है। वहीं अगर बात की जाए वहां पर सपा से तो कृष्णा पटेल जी को वहां से उतारा गया, तो यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने वाली है। बेहद दिलचस्प मुकाबला यदि बात करें जनपद प्रतापगढ़ के विश्रामगंज विधानसभा क्षेत्र की, जहां अब की बार सपा का अस्तित्व खत्म होता दिख रहा है। बिल्कुल अगर बात करें वहां पर अपना दल यश से जो वहां पर जीतलाल पटेल जी वहां पर है, तो जीतलाल पटेल बनाम एक निर्दलीय प्रत्याशी जो अभी तक सपा के खेमे से संजय पांडे जी निकलकर आते थे, अब की बार उन्हें टिकट न मिलने की वजह से वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निकलकर सामने आए, तो जनता का रुझान अब की बार सपा की ओर ना जाकर संजय पांडे की ओर ज्यादा रहा है। लोग व्यक्ति विशेष पर वहां पर मत करना चाहते हैं। अगर बात की जाए वहीं बाबागंज विधानसभा क्षेत्र की, तो जिस तरीके से राजा भैया का खेमा कुंडा बना बाबागंज माना जाता है, तो बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से राजा भैया की पैठ राजा भैया का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पर भाजपा सेठ लगाने का तो काम कर रही है, लेकिन कितना कारगर साबित होगी ये तो 10 मार्च ही तय करेगा। लेकिन जनता के रुझान की बात की जाए तो अभी तक ये भी सीट राजा भैया के खेमे में जाती हुई नजर आ रही। जी अगर बात किया जाए प्रतापगढ़ की, तो नामांकन में भी वहां पर एक दुर्घटना सामने आई, मतदान में भी घटना सामने आई, अब इसीलिए मतगणना की क्या कुछ तैयारी है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि यहां पर नामांकन और मतगणना में भी बवाले हो ही चुके हैं, हमला हो चुका है गुलशन यादव पर, तो ऐसे में प्रशासन कितनी तैयारियां कर रही है मतगणना की वहां पर, ऐसा ना हो कि रिजल्ट आने के बाद कोई ऐसा भारी घटना वहां से सामने आ जाए, तो इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन क्या तैयारियां कर रही है। जिस तरीके से मतगणना स्थल की बात की जाए तो कल जिला अधिकारी प्रतापगढ़ डॉक्टर नितिन बंसल ने वहां पर पूरी तरीके से पूरे चिलबिला में मतगणना होना है, तो पूरी तरीके से भेजा करके पूरी चीजों का देख रेख पूरी तरीके से अपने स्तर से देखकर वहां टीमें भी गठित कर दी गई है। तैयारियां जो है वो 2 दिन के अंदर ही पूर्ण करने की बात की, पहले ही तैयारियां करने की बात की गई है। अब उसके बाद ही एडिशनल पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी की निगरानी में पूरी तरीके से प्रशासनिक टीम गठित कर दी गई है, और जल्द ही बैरिकेडिंग की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त रहेगा। अंदर प्रत्याशी के साथ जो भी जिनको गनर पास है, जो भी सुरक्षा मिली है, वो कहीं ना कहीं अंदर नहीं जा पाएंगे, केवल मीडिया कर्मी मीडिया पास तक ही मोबाइल अलाउड रहेगा, उसके बाद अंदर मोबाइल ले जाना पूरी तरीके से मना किया गया है। पूरी तरीके से प्रशासन ने अपनी जो शक्ति है वो जनप्रतिनिधि में मतगणना स्थल पर कर दिया, जिससे कहीं पर भी जिस तरीके से घटना हो चुकी है, घटना पे घटना 2 घटनाएं सामने निकल कर आई है, जिसका अभी तक साक्ष्य नहीं मिल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना दोबारा दोहराई जा सके, ऐसा कोई मुद्दा ना निकल कर सामने आ सके, ऐसे में कहीं ना कहीं जिला अधिकारी प्रतापगढ़ और पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ पूरी तरीके से इसको लेकर कमर कसते हुए दिख रहे हैं। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोग मतगणना पे अपनी पूरी नजर बनाए रखिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या कुछ तैयारियां हैं। अगर बात की जाए प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में मतदान की, अगर मतदान से पहले ही जब नामांकन हो रहा था तभी से घटना सामने आई थी, हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गुलशन यादव की खुद की साजिश है, और जिस तरह से राजा भैया और अखिलेश यादव में जुबानी वार चला है, इससे भी एक बड़ा संकेत सामने आ रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि कौन किसको समर्थन देगा, यह भी एक बड़ा सवाल होता है कि कौन किसको समर्थन देगा। हालांकि एग्जिट पोल आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है उनके ये दावे सामने आ रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे, हमारी होली इस बार फिर 2017 की तरह केसरिया होने वाली है। अब ये 10 मार्च को ही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा और एजेंसियां जो है एग्जिट पोल, उनके एग्जिट पोल कितने सही होंगे। चुनाव की और मतगणना की हर एक अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या लग रहा है, क्या है चुनाव में सरकार अपनी बखान कर रही है, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मेजोरिटियाँ होती है, सबका अपना अपना जो है मत है। किस तरह से देखते हैं इस बार, क्या माहौल है चुनाव? इस बार माहौल बहुत ही बदला हुआ है। क्या कहना, किसको वोट देंगे इस बार? मैंने बोल दिया मैं भारतीय जनता पार्टी से, तो मेरी वोट कहाँ जाएगी? अब आपको बताना पड़ेगा कि विकास कितना हुआ है। न सिख देखा न ईसाई देखा, उन्होंने सभी को 2.5 लाख रुपए दिए घर बनाने के लिए। किसको वोट देना चाहेंगे? क्या मोदी जी और योगी जी है वो फुल स्टॉप होता ना कि क्वेश्चन मार्क। 2022 में किसी से चाहते हैं? सर मैं किसी को नहीं चाहता हूँ। क्या लग रहा है, क्या है चुनाव में? सरकार अपनी बखान कर रही है, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मेजोरिटियाँ होती है, सबका अपना अपना जो है मत। किस तरह से देखते हैं इस बार, क्या माहौल है चुनाव?
इस बार माहौल बहुत ही बदला हुआ है। क्या कहना, किसको वोट देंगे इस बार? मैंने बोल दिया मैं भारतीय जनता पार्टी से, तो मेरी वोट कहाँ जाएगी? अब आपको बताना पड़ेगा कि विकास कितना हुआ है। न सिख देखा न ईसाई देखा, उन्होंने सभी को 2.5 लाख रुपए दिए घर बनाने के लिए। किसको वोट देना चाहेंगे? क्या मोदी जी और योगी जी है वो फुल स्टॉप होता ना कि क्वेश्चन मार्क। 2022 में किसी से चाहते हैं? सर मैं किसी को नहीं चाहता हूँ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।